तू आज फिर से मुझे बिना गुड नाइट बोले सो गया ना, तेरे रोज रोज के नाटक मैं नहीं सह पाऊंगी अब। ये रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। कैसी हो? बैठो बैठो। अरे ओ भैया, 3 घंटे से बैठे, कुछ ऑर्डर करेंगे कि नहीं? तू 3 घंटे से यहाँ बैठा हुआ है? नहीं, मैं 3 घंटे पहले नहीं आया हूँ, मैं तो कल रात से ही बैठा हूँ। जब तुमको मैसेज किया था भैया 3 घंटे पहले आए हैं, वो मैंने सोचा अगर तुम मेरे से 2 मिनट भी पहले आ गई तो ये टेबल चेयर समेत पूरा गार्डन मेरी कार में ही डाल दोगे, इसलिए मैं पहले आ गया। बता क्यों बुलाया है मुझे? अरे ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए गुलाब लाया, लो। अब बता बुलाया क्यों है? वो तुम यहाँ की कॉफी ट्राई करो, बहुत अच्छी है, मैं भी ऑर्डर करता। भैया एक कॉफी कर देना। मुझे यहाँ क्यों? समोसा समोसा खाओ भैया, समोसा खा लो, तेरी गाल में डाल दूंगी। मुझे यहाँ क्यों बुलाया ये बता। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करना इसको, सुबह सुबह दारू पी के आया है क्या? पंचोती सूझ रही है। मैं सीरियस हूँ, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। मैं तो अपने माँ बाप से नहीं डरता जितना तुमसे डरता हूँ। सुबह उठता हूँ तो सहमा सहमा सा रहता हूँ कि अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो तुम फिर मार कचर दोगे। यार 25 साल का हो गया हूँ, लेकिन जब भी तुमको सपने में देख लेता हूँ तो मुंह देता हूँ। घर वालों को लगता है कि मेरी किडनी फेल है, डायलिसिस करवाने ले चलते हैं मुझे। मैं इतनी बहस नहीं सह सकता, प्लीज। अब ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुझे ब्रेकअप करना है? अब छोटी मोटी लड़ाई तो हर रिलेशन में होती है ना। 92, 93, वो लड़का वहां पे अकेले क्यों खड़ा हुआ है? वो लड़की भी तो है। लड़की तो है वहां पे, क्योंकि तुम देखे पड़े हो। मिल गया ना मौका लड़की देखने का। मैंने कब देखा यार? अभी देखा, बताया तो लड़की वहां पे खड़ी है। तो तुमने पूछा इसलिए मैंने बोला ना। तुम मना कर देते कि नहीं बेबी मैं वहां नहीं देखूंगा, वहां पे लड़की खड़ी है, लेकिन नहीं, तुमको तो मौका चाहिए था। आंख में तो इंची टेप लगा के घूमते हो ना, छाती जापते हो लड़कियों की। छाती कैसे? वो उधर मुंडी करके खड़ी है। ओहो, कितने डिटेलिंग में उसको पता है कितने एंगल में लड़की खड़ी है। अरे ऐसा नहीं है यार। अच्छा अब तू जा, तू उसी के पास जाके खड़ा हो, मेरे पास से हट जा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तू उससे जाएगा, बात करेगा, उसके साथ बैठेगा। जा नहीं, जा, तुझे मेरी कसम है, जा जा यार, जा रहा हूँ। तू जा रहा है, तू जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? मेरे होते हुए किसी और लड़की के पास जा रहा है तू? जिंदगी भर तुझे खुले सर जैसे छोड़ा कि जा, जो तेरा मन करे वो कर, कभी दबाव नहीं डाला। हेलो, हाँ बेबी, चरण पर। गुड मॉर्निंग। बोलो। वो राहुल का बर्थडे है आज, तो क्या मैं जा सकता हूँ? तुम बोलो तो, तुम बोलोगी तो ही जाऊंगा, नहीं तो मेरा ऐसे कुछ खास मन नहीं है। जैसा तुम बोलो चला जाऊँ क्या? प्लीज। ठीक है चला जा, लेकिन जब मैं फोन करूंगी तो वापस चुपचाप घर भी आ जाना, ठीक है ना? हाँ पक्का, टाइम से आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राहुल के बर्थडे में पेट भर के खाऊंगा, फुल एंजॉय होगा। किसका फोन है? राहुल का होगा। हाँ बेबी। चल बहुत बर्थडे मना लिया, चल वापस घर निकाल। अब वापस जाओ, अभी तो निकला भी नहीं यार, गेट लॉक कर रहा था। नबे, मैं तुझे क्या बोली थी कि जब मैं फोन करूंगी तो वापस घर हो जाना, तो ये रंडा मुझे मत बता कि कहाँ है। चल वापस घर निकाल, घर निकाल। ये क्या बात है यार, कम से कम जाने तो दो बर्थडे में उसके। अब हाथ दे रही हूँ तो सर पे चढ़ के मुतना मत सीख, जितना बोल रही उतना कर। कभी भी तेरे ऊपर शक नहीं किया था मैंने अंश, हमेशा आंख बंद करके भरोसा किया था तेरे ऊपर वाले। हाँ बेबी, ट्रेन में बैठ गया मैं। हाँ पूरी फैमिली है। हाँ मेरा तो फोन ऑन ही रहेगा, तुमको पल पल की खबर देता रहूंगा। फोन करना बस नहीं चाहिए, मैं तो गति कट डालूंगी तुम्हारी। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। और झूठ मत बोलना, मेरी पूरी निगाहें तुम्हारे ऊपर ही हैं। हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, सिर्फ तुमसे ही बात करूंगा पूरे रास्ते भर। तेरी इज्जत भले ही कम की हो, पर तेरे माँ बाप की इज्जत
हमेशा अपने माँ बाप जैसे की मैंने। हाँ बेबी चलो चलो। ये क्या पहन के आया तू? ये क्या क्या पहन के आ गया काला काला? क्या हो गया? आज मैंने बोला था कि आज गरबा खेलने जाना है तो कपल गोल सेट करेंगे, सेम कलर का पहन के जाएंगे। ये क्या पहन के आया है? पिंक बोली थी तुझे पहनने को, तू नहीं पहन के आया। तू पिंक शर्ट पिंक चड्डी सब कुछ पिंक रखा था लेकिन आज मम्मी ने सुबह धो दिया सब। तेरी महतारी। मम्मी है यार वो। तेरी महतारी, मेरा कोई भी कपल गोल पूरा नहीं होने देगी। हर काम के बीच में आ जाती है ये। एक सेकंड, किसी का फोन आ रहा है। मम्मी। हाँ मम्मी। नहीं बस ऐसे ही है। ऐसे कैसे फोन कर देती हो तुम इसको? ये बताओ अभी तक तुझे घर ही बैठा ना तब तुम्हारी बात खत्म नहीं हुई? घर में तो अपनी बहनों से बात करने में लगी रहती है। प्लीज मत बात करो ऐसे। अगर ये तुम्हारा बेटा तो मेरा भी होने वाला पति है। मैं कौन? मैं वो जिससे तुम दहेज लेने की फुल तैयारी में हो। हाँ और सुनो, जब तक ये बाहर है तब तक आज के बाद तुम्हारा फोन नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारा फोन आ गया ना तो तुम्हारे जो घुटनों का दर्द है ना और ज्यादा बढ़ जाएगा। हेलो मम्मी, पता नहीं कौन छिना के बात कर रहा था। आप परेशान मत हो ना, आप बीपी की गोली खा लेना और जिंदा रहना प्लीज मेरे आने तक। मैं बाद में बात करता हूँ। तुम कैसे बात कर? आवाज नीचे कर, के पकड़ा दूंगी यही डाली में। मम्मी चुप। तुझे अपना पति बनाने के सपने देखी थी लेकिन तू तो मुझे गर्भवती बना के उड़ने की फिराक में है। ब्रेकअप करना ना तुझे, ठीक है कर ले ब्रेकअप, लेकिन पहले मेरे सवालों का जवाब दे। अगर एक भी जवाब गलत निकला तो जिंदगी भर मुझे झेलना पड़ेगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मेरा नाम क्या है? हर्षिता। पूरा नाम? हर्षिता त्रिपाठी। शादी के बाद मेरा क्या नाम होगा? हर्षिता अंश राजपाल त्रिपाठी। मेरे कुत्ते का नाम? अंश। घर वाले पालतू कुत्ते का नाम? जेरी। मेरे टेंथ में कितने मार्क्स आए थे? दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री। मेरे पास से कैसी महक आती है? भाटे की। मैं कौन से नंबर की सैंडल पहनती हूँ? नौ। मेरी मौसी की लड़की का नाम क्या है? प्रिया। फंस गया फंस गया। मेरी पांच मौसी है और पांचों मौसी में हर मौसी की दो दो बेटी है। तूने प्रिया का ही नाम क्यों लिया? मैं तो देखा नहीं, तुम ही बताइए बस उसके बारे में। कुछ चल रहा है क्या तुम्हारा उसके साथ? उस प्रिया के लिए मुझे छोड़ रहा है ना तू? धोखा दे रहे हो तू? अब ये कानून की किताब से तुम्हारे लिए सजा भी तो ढूंढूं। सजा किस बात की? सजा मैंने क्या किया? मेरे ऊपर चीट करेंगे और मैं इनको जाने दूंगी, सजा दूंगी मैं जेल में। तू रुक अभी। तू रुक। ब्रेकअप? मैं तो मजाक कर रहा था। फंस गई तुम मूड स्विंग्स होते ना थोड़े से, इसलिए। भला तुमको छोड़ के मैं जिंदा कैसे रह सकता हूँ? इस बार बचाए दे रही हूँ, अगली बार अगर ब्रेकअप का ख्याल भी तेरे दिमाग में आया ना तो सुप्रीम कोर्ट में मिलना अपने बाप को लेके। नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अब चल मुझे मेरे घर छोड़ और अपने घर निकल, और मेरे घर में घुसने से पहले अपने घर पहुंच के मुझे वीडियो कॉल कर देना। चल चल, टाइम वेस्ट करने को बोल दे इसको। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जो जो ऑप्शंस है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए सब कमेंट करके बताइए, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करिए टॉक्सिक गर्लफ्रेंड के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।